एवरीवन, वेलकम अगेन टू ऑटो लाइव। आज हमारे साथ है हीरो की एक्सट्रीम 125R और इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस गाड़ी के प्रोज और कॉन्स की। तीन इधर आपको प्रोज बताऊंगा, दो इधर कॉन्स बताऊंगा जिनमें सुधार करा जा सकता है। तो चलिए हम ये अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रो है इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन और लुक्स। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, दिस मोटरसाइकिल लुक्स वेरी एग्रेसिव, वेरी डिफरेंट एंड आई वुड से वेरी आउट ऑफ द बॉक्स। बहुत यूनिक डिज़ाइन लैंग्वेज है। कई लोगों को अच्छा लगता है, कई लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता, बट मुझे लगता है ये चीज़ यंगस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट करती है। इधर आपको एक एग्रेसिव फ्रंट फेस मिलता है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, LED DRLs मिलते हैं, डुअल टोन कलर शेड में इधर आपको मडगार्ड मिलता है, 17-inch के व्हील्स मिलते हैं फ्रंट और रियर में, और बहुत स्मार्ट लुकिंग अलॉय व्हील्स मिलते हैं। बहुत नाइसली और वेल स्कल्प्टेड टैंक मिलता है, एग्रेसिव लुकिंग श्राउड्स मिलते हैं, 2-piece सीट मिलती है, स्मार्ट लुकिंग ग्रैब रेल मिलती है, और इधर आपको बहुत गुड लुकिंग कलर शेड ऑप्शंस मिलते हैं। 3 कलर्स मिलते हैं, ये ब्लू है, इधर आपको ब्लैक भी मिलता है, रेड भी मिलता है, और इधर आपको LED टेल लाइट देखने को मिलती है। फुली डिजिटल इधर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, अच्छा लिटअप है और आपको एक अच्छी विजिबिलिटी ऑफर करता है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, दिस मोटरसाइकिल लुक्स रियली कूल एंड रियली डिफरेंट। हमारा दूसरा प्रो है इस मोटरसाइकिल का इंजन और परफॉर्मेंस। हीरो एक्सट्रीम 125R पार लेती है एक 124.7 cc के सिंगल सिलेंडर इंजन से, जो कि 10.4 bhp का पार बनाता है, 11.5 nm का टॉर्क बनाता है, और ये आपको ऑफर करता है 66 km/h का माइलेज, 6-speed का इधर आपको गियर बॉक्स मिलता है, 0-60 km/h सिर्फ 5.9 सेकंड में ये बाइक एक्सेलरेट करती है। ये बिल्कुल सेम इंजन है जो कि आपको ग्लैमर 125 में देखने को मिलता है। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, कंपनी हैज़ रियली प्लेड गुड विद द ट्यून ऑफ दिस इंजन, बहुत अच्छे से इसे ट्यून कर रखा है। एक आपको अलग से एग्रेसिव एंड मिलता है इसके इंजन में, यहाँ पे कैम प्रोफाइल्स कंपनी ने इसके रीट्यून करे हैं, चेंज करे हैं। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, दिस मोटरसाइकिल इज रियली गुड एंड यू विल हैव बॉल ऑफ टाइम व्हेन यू राइड इट ऑन द रोड। तो हमारा तीसरा प्रो है इस मोटरसाइकिल का प्राइस टैग। हीरो एक्सट्रीम 125R का प्राइस शुरू होता है 95,000 रुपीज़ एक्स शोरूम से, एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 99,500 रुपीज़ एक्स शोरूम। इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग मुझे ये लगता है कि हीरो ने बहुत एग्रेसिव एंड पे इसे प्राइस किया है। एट दिस प्राइस पॉइंट दिस मोटरसाइकिल इज अ स्वीट डील, बिकॉज इट लुक्स रियली एग्रेसिव। यहाँ पे आपको 3 कूल कलर शेड्स मिलते हैं, दिस इज वन ऑफ देम, और दिस इंजन इज रियली गुड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एज वेल एज माइलेज। तो ये थे इस मोटरसाइकिल के 3 प्रोज। अब हम मूव करते हैं अपने पहले कॉन की तरफ। तो अगर अब हम कॉन्स की तरफ मूव करें तो हमारा जो पहला कॉन है वो है इस मोटरसाइकिल के फ्रंट ब्रेक का बाइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ ब्रेक्स की, तो जैसे मैंने बताया इधर आपको 2 डिफरेंट वेरिएंट्स मिलते हैं, ड्रम ब्रेक वेरिएंट मिलता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, ये इसका डिस्क ब्रेक वेरिएंट है। मुझे लगता है कि इसके ब्रेकिंग कैलिब्रेशन पे थोड़ा बहुत काम किया जा सकता है, क्योंकि अंडर हार्ड ब्रेकिंग यू विल फील अ लॉट ऑफ डिले व्हाइल यू ब्रेक इट। तो मुझे लगता है इसे और ऑन पॉइंट कैलिब्रेट करा जा सकता है, इसकी बाइट जो है वो और स्ट्रॉन्ग करी जा सकती है। इवन इसका जो ABS कैलिब्रेशन है वो भी थोड़ा सा ऑफ है, तो ओवरऑल इसके जो फ्रंट ब्रेक्स का बाइट है उस पर थोड़ा बहुत काम अभी भी होना बाकी है। अदर देन दैट टायर ग्रिप इज रियली गुड, यहाँ पे आपको रोड बायस टायर्स मिलते हैं और आपको यहाँ पे ये अच्छी खासी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। वेट सर्फेसिस पे आपको थोड़ा बहुत अनस्टेबल फील होगा, बट अगर आप रेगुलर इसे रोड्स पे चला रहे हैं, डेली कम्यूट्स के लिए चला रहे हैं, तो मुझे लगता है दीज टायर्स ऑफर अमेजिंग अमाउंट ऑफ ग्रिप। बात करें अगर हम इसके दूसरे कॉन की, तो वो इसके थोड़े से डिज़ाइन से रिलेटेड है। ओवरऑल डिज़ाइन वाइज ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखती है, बहुत यूनिक दिखती है और अटेंशन ज़रूर ग्रैब करती है, बट एक आध चीज़ें हैं जो इसके इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डिज़ाइन से थोड़ी सी ऑफ जाती हैं। जैसे कि इसके रियर जो हगर का डिज़ाइन है वो ये काफ़ी बेसिक सा दिखता है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता जैसे इसकी ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज है। एज वेल एज यहाँ पे आपको एक बेसिक लुकिंग बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म मिलता है, विच इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ ट्रबल, बट मुझे लगता है कि जो इसका रियर हगर है उसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करा जा सकता है और इसे एक बहुत एग्रेसिव लुक दिया जा सकता है, जो कि ओवरऑल इस मोटरसाइकिल के एस्थेटिक्स के साथ बहुत ईजीली जेल करे। तो दोस्तों ये थे इस मोटरसाइकिल के 3 प्रोज और 2 कॉन्स। इनमें से आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या बुरा लगा इस बाइक के बारे में, वो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।